वेलकम गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। मेरे मतलब ये मेरा कितना तीसरा वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज का वीडियो हम मतलब अपने इलाके का वो रंग बगान में जाने वाले हैं और उसका आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे। चलिए आपका हमारे साथ में किसान गाइच। अभी मतलब हम ओरंग में आ ही पहुँच चुके हैं, मतलब ओरंग के थोड़ा नज़दीक ही है। अभी मतलब हम ओरंग में पहुँचेंगे, उसके बाद बगान ही जाएंगे ना। इसके लिए हमें मतलब पहले ओरंग पहुँचना है। आप रंग में आज यही पर चुके और हमारा ये बगन का थोड़ा मतलब जाने वाला भी है और हम उसके थोड़ा और मतलब I'm on a new wave, I got the juice, just met a cute thing, now she's my boo. I'm on a new wave, I got the juice, just met a cute thing, now she's my boo. Hey guys, अभी हम मतलब ओवर रंग बगन के ये साइन बोर्ड है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा हमने मतलब थोड़ा आप लोग को दिखा दिया ओवर रंग का थोड़ा नज़ारा। इतना बढ़िया जगह है, यहाँ देख सकते आप लोग। वो पासनी नदी है, हम उसके मतलब सामने से जाए। हम वरंग बागिशा मैंने सा बागिशा में आ चुके हैं। अभी वरंग स्वाभाविक समय है। अभी मतलब देखिए अभी कोई भी नहीं है, अभी हम दोनों मात्र है। अभी मतलब हम जा रहे हैं थोड़ा अंदर तक और ये वरंग स्वाभाविक है। थोड़ा देखिए रास्ता कितना गहरा है, मतलब बहुत अंदर तक है। यहाँ कम से कम आप लोग को 100 बीघा में होगा, 100 बहुत होगा, 200-300 बीघा में यह सा बगीचा है। अभी हम मतलब ओरंग के सा बगीचा में मतलब ये लोग हमारे बगान के आदमी इसको चपत को मतलब पहले तूलते हैं, उसके बाद हमारे मतलब वहाँ ले जाते हैं फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में ले जाकर क्या करते हैं उसके बाद फैक्ट्री में ले जाते हैं और उसको फैक्ट्री में कुछ मेडिसिन से चीजन करके उसको सूखा सूखा कर और उसको हमारे मतलब थोड़ा गुटी गुटी टाइप का चपत बना लेते हैं और उसी हमारे मतलब पैकेजिंग बाग कुछ कर हमें मतलब फिर से हमारे जो हम चिया में डालते हैं वो फिर से हमारे चिया में ही आ जाता है। और इसके लिए हमारे मतलब हमारे आसाम लोग आसाम के आदमियों ने बहुत कष्ट किया इसके लिए, और हम उनके लिए बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं जो हमारे आसाम के ये चपत तुलते हैं। उन्होंने हमारा धन्यवाद है और उन लोगों के लिए मेरा एक नमस्कार भी है। और आप लोग देख सकते हैं मैं बहुत चपत के चारों तरफ से ही हूँ। और आप जब ब्रिटिशों ने हमारे भारत में कब्जा करने आए, उसके बाद कब्जा करने के बाद हमारे कब्जा करने पे भारत में घुसने के बाद हमें और हमारे फिर हमारे आसाम में घुसे और आसाम में मतलब भारत का एक राज्य असम में घुसे। और असम में घुसने के बाद उन लोग ने देखा कि इस मिट्टी में कुछ एक्सपीरियंस किया उन लोग ने, और करने के बाद उन्हें पता चला यहाँ तो चिया मतलब चपात बगान बहुत अच्छा होगा। इसके लिए उन लोग ने हमें यहाँ चपात लगा दिया। और उसके बाद उन लोग ने अभी तो फिलहाल वो लोग नहीं है, उन लोग ने लगा कर गए। और हमें मतलब बहुत हमारे मन असम में बहुत ये असम हमारे लिए चपात के लिए बहुत प्रचलित है, आप लोग तो जानते ही होंगे। और आसाम में चपात बगान बहुत बड़े बड़े हैं और ये तो बहुत छोटा ही होगा आसाम का एक चपात बगान कहने से। और हमारा जो एशिया में सबसे बड़ा चपात बगान हमारा मुन्नाबारी है, और वहाँ तो वो तो अभी फिलहाल तेजपुर में, अभी तो आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग तो वहाँ भी जाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग यहीं तक आए, हमारे लिए जो करना था हमने कर अभी। उसके बाद हमने देखा बहुत अच्छा लगा, इसे हमने चूला कुछ किया। बहुत अर लोग चपात बगान से निकलने ही वाले हैं, निकलने के लिए हम लोग जा रहे हैं मतलब अपने घर तक। आज का मतलब हम लोग मतलब निकल चुके हैं, हमारा भाई भी है, बहुत फोटो शूट खींच रहा है। मतलब हम लोग निकल चुके हैं, ये इधर आओ, मतलब हम लोग जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा गड्ढा है, आप लोग देखिए बहुत बड़ा गड्ढा है, मतलब गड्ढे में मैं घुस गया, गड्ढे बहुत भयंकर। देखिए
अब लोग कितना भयंकर लग रहा है मुझे भी मैं इसमें इसकी मदद थैंक यू भाई पिट्टू ने मुझे पकड़ लिया। अलो हम अंदर तक गए मिडल भाई थोड़ा कुछ कुछ संभाल के चलना पड़ेगा मुझे। मैं निकल चुका मेरे भाई ने कहा दूसरे रास्ते से भी घर जा सकते हैं हम लोग। मैं जहाँ से घुसे वहाँ तक नहीं दूसरे रास्ते और एक रास्ता बोल रहा है हमारे घर घटक जाएगा। तो उसके बाद मैं निकला घर जाने के लिए आज और चलते हैं कौन सा रास्ता आप लोग को हम लोग दिखा देते हैं रास्ता। तो आए यार से मतलब हमारा साइकिल बहुत मजा है। ये तो मेरा मिडिल भाई का है पिठोरा बेच चुके हैं और ये मेरा है। अब मैं जान इसमें ही आया इस बुलेट में छोटा सा बुलेट है बहुत अच्छा चलता है गाड़ी मतलब ये साइकिल। अब मतलब हम फाइनली अब भाई के रास्ते में जाएंगे। भाई किधर का रास्ता है भाई हाँ किधर है भाई थोड़ा बोलने नहीं भाई थोड़ा गेम खेल रहे हैं। देखिए गेम खेलने में इतने व्यस्त है कि उन लोग को पता ही नहीं सकते बहुत। जब मतलब हम घर की तरफ जा रहे थे तभी हमने देखा कि मतलब एक रास्ते जा रहे थे तभी हमने देखा कि हमारे मतलब जो था वो बागन का गेट मार्च अलग आ चुके हैं। अब हम कैसे निकलेंगे हम भाग रहे थे तभी मुझे एक आइडिया आया। मैं अपने बुलेट को ऊपर से पार्क करूँ जैसा लग रहा है। कुछ लोग आज भी आ रहे हैं हमारे वो उधर से सोच रहे कैसे निकलेंगे और लोग ने कोई आइडिया तो देंगे और केवल का मैं भाग रहा हूँ अभी। गाइस देख सकते हैं हमारे आदमी मतलब थोड़ा कष्ट कर रहे हैं अभी देखते हैं क्या हो रहा है इनके साथ मतलब थोड़ा साइकिल पार करने के में थोड़ा रास्ता ढूंढ रहे हैं रास्ता से किधर से पार करेंगे हम लोग भी देखते हैं। ताला इतना बड़ा लगा दिया ना माँ का बट हमें मतलब वीडियो से पता ही नहीं चला कब ताला लगा दिया। रुको भाई मैं आ रहा हूँ अभी मैं गया उसके बाद मैं आप लोग देखिए इसको पीछे आगे से उठाओ नहीं नहीं उस पर मैं ही आ जाता हूँ वो काश जय हनुमान हनुमान की बहन तो मैं चाहूँगा। इसके लिए मैंने जय हनुमान की जय 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 हनुमान जय हनुमान फाइनली मैंने सीख दिया इसको आराम से रख दिया। अभी मैं इसको भाई बोल रहे छोड़ने के लिए मैं छोड़ दिया तुमने कहा मेरे छोड़ दिया अभी अभी इसके लिए मैं उस पार हो रहा हूँ। देखिए आस्ते 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 से हो गया गाइस मैंने भाई का काम आस्ते से कर ही दिया। भाई बहुत खुश हुए ऐसे नंबर देखिए आप लोग बढ़िया है गाइस मतलब आज का वीडियो बस इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ये मेरा मतलब कितना थर्ड वीडियो है और आप लोग को मैंने किसी वीडियो में ये बात नहीं कहा इस वीडियो में मैं कहने वाला हूँ मतलब मुझे प्लीज़ लाइक शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मतलब प्लीज़ कर दीजिएगा मेरा मतलब सब्सक्राइब इतना में नहीं बढ़ रहा लाइक भी नहीं बढ़ रहा अभी और आप लोग कर लीजिएगा मुझे बहुत उम्मीद है आप लोग करेंगे बोलकर। और मैं आप लोग ने ऐसा ही लाइक सब्सक्राइब किया तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगा बोलकर मुझे ऐसा है।